अस्सलाम वालेकुम परदेसी स्क्वाड, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं। आज जो है इस वक्त इतनी सर्दी है यहाँ ग्लासगो में, -5 -6 चल रहा है। प्लान यह है कि आज हम जाएंगे मैनचेस्टर, जो कि ग्लासगो से है 3.5 घंटे की ड्राइव, अगर हम आराम से जाएं। तो उधर मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया, तो मैंने कहा चलो सैर सपट्टा भी हो जाएगा और आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं, दिखाते हैं मैनचेस्टर वगैरह। और मैंने देखा है कि पाकिस्तान की सर्दी और यहाँ वलैत की जो सर्दी है वो बड़ी डिफरेंट है। आई थिंक पाकिस्तान में ज़रा खुश्क सी सर्दी है, ज़रा हड्डियों में लगती है, यहाँ की सर्दी थोड़ी डिफरेंट है। कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके क्या ख्याल है इसके बारे में। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। लेट्स गो। ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली स्नो नहीं है, ये है आइस जमी हुई है। और ये बड़ी ख़तरनाक भी होती है, क्योंकि ये कभी कभी ब्लैक आइस बन जाती है और आपको नज़र नहीं आती। जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको नज़र नहीं आती, तो गाड़ी स्लिप भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है आप अभी तक सो रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं? और कितनी तैयारी करनी है आपने? अल्लाह जी, चले बिस्मिल्लाह पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफर की दुआ पढ़ लें जी। सुभानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ले जी बेल्ट लगा ले हम। पाकिस्तान में तो आपको पता है बगैर बेल्टों से हम फिरते हैं, वो भी खैर अच्छी बात नहीं है। शुक्र है शुक्र है शुक्र है, धूप तो निकली। ठंड तो है ही है लेकिन धूप भी निकली। बारिश जो है ना, मुझे बहुत बहुत बुरी लगती है यहाँ की बारिश। कितनी कितनी देर का है ये सफ़र? 3.5 घंटे। हाँ, तीन साढ़े तीन घंटे का सफर। ठीक है, और ब्रेक्स भी लेंगे हम इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है सूसू वगैरह आ जाता है, तो सर्दियों में स्पेशली सर्दियों में तो बिल्कुल बार बार आ जाता है, थोड़ा सा पानी पी लो तो। स्किड हो रही है गाड़ी। गाड़ी जो है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की स्किड हो रही है ऑलरेडी, अभी तो मोटरवे पे भी नहीं चढ़े। BMW जो है ना, ये इसके यही रोल हैं। BMW स्किड क्यों करती है वैसे, आप बताएं बॉबी भाई। इतनी अच्छी गाड़ी है, रियर व्हील ड्राइव की वजह से। आइस जो है ना BMW वालों की दुश्मन है। लो जी, सबसे पहले हम पेट्रोल डालेंगे। और यहाँ पे सीन ऐसा है कि आपको खुद बाहर निकल के तेल डालना होता है, तो भैया सब कुछ यहाँ पे सेल्फ सर्विस है। हाँ जी भैया, सठा ना पा दो भाजी, सठा ना। बॉबी भाई ने जैकेट उतार ली है, इतना भाई गर्म हो गया है। जूस वूस ले लें, जूस वगैरह ले लें हम। लो जी, गड्डी तेल पै गया, तो हम असी मोटरवे पे चढ़ांगे। ये देखें जी खूबसूरती, देखें आप, पहाड़ों पे आइस जमी हुई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे स्नो है। लो जी, हम अपने पहले सर्विस स्टेशन पे रुके हैं, का पता नहीं नाम मुझे भूल गया, लेकिन यहाँ पे हम ज़रा चाय शाय पियेंगे। ज़रा व्यू देखें कितना खूबसूरत है। लेकिन सर्दी ज़रा कम हो गई है आई थिंक, अब जैसे जैसे हम इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं सर्दी कम हो, स्कॉटलैंड में ज़्यादा सर्दी थी। हाँ, ये देखें जी, इन्होंने कुत्तों के लिए भी एक स्पेशल जगह बनाई हुई है। जो लोग अपने कुत्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो यहाँ पर आके उनको वॉक करवा सकते हैं, टट्टी पेशाब जो भी इन्होंने करना कर सकते हैं। आया ओ तेरी खैर, भज जा इधरों। कुत्ते का साइज वेखो तो उसका जज्बा वेखो, क्या बात है। ए वलैती कुत्ते ने इत्थे
सो गाइस, हम सही सलामत पहुंच गए मैनचेस्टर में और ये हमारा होटल रूम है। मैनचेस्टर में मेरे बहुत सारे कजन्स, बहुत सारे दोस्त भी रहते हैं, लेकिन आपको पता है मुझे ज़रा होटल में रहना पसंद है, ज़रा पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। तो आपको होटल रूम दिखाता हूँ, आ जाए। तो अगर आपने होटल रूम में सबसे पहले ये नहीं किया तो फिर क्या ही किया आपने। अच्छा जी, अब प्लान ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद नीचे जाएंगे, इनकी जिम फैसिलिटी इस्तेमाल करेंगे और फिर देखते हैं उसके बाद हमने क्या करना है। जिम आपको पता है बहुत जरूरी है, जो मर्जी हो जाए हमने जिम नहीं छोड़नी। तो आए सबसे पहले हम जिम लगाते हैं। लो जी, ये है यहाँ का जिम, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन आई विल डू द जॉब। लो जी, सब तो पहले पानी पीने हैं। अब देख लो, लिखा है 1 वाटर पर गेस्ट। बड़े भुखे हैं यार। उठो जवाना, यीजीज, वाह 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 वाह, स्टाइल है भाई का। है बॉबी भाई जो है नॉट कमिंग स्लो, तो हम भी जरा वार्म अप शॉर्म अप कर लें, अभी शोल्डर्स लगाने। Break the train, locked in, I'ma change the weight. Working for my baby's kids. Hard times couldn't make the rent. Working hard couldn't save a cent. Lonely nights, just me and God. Swear to him, always made the ends. Grab a paper, see the news. Hate coming by the tools. Walk a mile in my shoes. Some you can never. तो जी, अगर आप मैनचेस्टर में आए हैं या मैनचेस्टर में रहते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे खाने पीने की चीजें बहुत मशहूर है। तो अभी हम जा रहे हैं विम्सलो रोड, जहाँ पे सारी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, और उधर जाके हम देखते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं। दिल तो कर रहा है कि आज स्टेक खाएं, क्या कहते हैं बॉबी? Yeah, I think steak खाते हैं जी आज। लो जी, ये आ गया हमारा विम्सलो रोड, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेशुमार रेस्टोरेंट्स है। सो फाइनली स्टेक वाली जगह हमने ढूंढ ली है और अब हम करते हैं ऑर्डर और फिर आपको देखते हैं हमारा स्टेक। लो जी, स्टेकें आ गई हैं हमारी, ये देखें, ऊपर गंडे शंडे, नीचे चिकन, पास्ता, चिप्स, फैंटास्टिक किस्म की, और ये टी बोन आ गई है जी, नाल चौल, नाल ते अंडा भी पाया उन्होंने, तो थले की ये चिप्स जबरदस्त। तो वहाँ सही निकल रहे हैं, अभी शुरू कर लें। लो जी, हमने स्टेक जो है खा लिया है और बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया बबी भाई। Very nice, enjoy किया आपने? बहुत tasty। और अब हमारे पास एक और खास दोस्त आए हमसे मिलने, all the way from Manchester। तो ये हमारे जैन भाई हैं, जैन भाई याद होंगे, हमारे ब्लॉग्स में भी आते रहे। अब हम जा रहे, कहाँ जा रहे हैं जैन भाई? हम जा रहे हैं कुछ चाय शाय पीने, कुछ मीठा शीठा हो जाए। मीठा ए, मीठे के बगैर जिंदगी जो है अधूरी है, और जो ठंड है इस वक्त बहुत जरूरी है। नहीं, जरूरी नहीं है पाइन, मैनू नहीं चाहिए ठंड। और ये जैन भाई ने शीशा भी मंगवा लिया है, जैन भाई हुक्का पियेंगे। कोले गरम ने, बहुत गरम। मोरक्कन टी, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर, ये और ऊपर, ये जबरदस्त। वेरी नाइस। अरे गाइस, तो हम अपने होटल रूम वापस आ चुके हैं, बहुत इंजॉय किया, स्टेक ज़बरदस्त था, चाय ज़बरदस्त थी, उसके बाद हमने फलूदा भी खाया, वो मैं व्लॉग करना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम सोने लगे हैं। तो कल सुबह हम जाएंगे ट्रैफिक सेंटर और फिर हम आपको मिलते हैं कल सुबह। ले जी, चेकआउट हो गया और शुक्र है आज भी मौसम जो है बड़ा साफ है, धूप शूप निकली है, ठंड थोड़ी सी कम है कल से। क्यों बॉबी भैया? बॉबी भैया ने कपड़े ऐसे पकड़े हैं जैसे उनको घर से निकाला हो किसी ने। लो जी, हम पहुंच गए हैं ट्रैफिक सेंटर, ये यहाँ का मशहूर तरीन शॉपिंग मॉल है, और अच्छा मॉल है, लेकिन जब से दुबई मॉल देखा है और इवन पाकिस्तान के मॉल्स देखे हैं, ये मुझे बस अब ठीक ही लगता है, पहले बहुत पसंद था, बस ठीक है, लेकिन आप मुझे बताना आपको कैसा लगता है। आदी, 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 आदी।
अच्छा जी, रूल नंबर वन, जब भी आप एयरपोर्ट या शॉपिंग मॉल में आए तो आपने सबसे पहले परफ्यूम ज़रूर लगाना है। वो है तो चल ही नहीं रहा। गिविंची जेंटलमैन, खुल के लाना है, खुल के, जो तो मुफ्ता मिले तो खुल के लाया करो। हाँ भाई, की गल्ला हो रही ने लुक लुक के। हाँ जी, कुछ पसंद आया कि नहीं? नथिंग। ये जरा इनका आर्ट देखें, कितना फिर कुड़ी है। लो जी, ये था ट्रैफिक सेंटर, और हमने शॉपिंग ज़्यादा तो नहीं की, बस एक दो चीज़ें ली हैं। ज़्यादातर हमने विंडो शॉपिंग ही की है। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपको मॉल कैसा लगा, और आपका सबसे फेवरेट इस पूरी दुनिया में मॉल कौन सा है, जो आपको लगता है कि यार ये सबसे बेस्ट मॉल है। मेरा जो फेवरेट है वो है आई थिंक दुबई मॉल। सो अब हम तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की स्कॉटलैंड। अगेन 3.5 घंटे की ड्राइव, और फिर हम आपको वहाँ जाके मिलते हैं। अरे गाइस, सो हम वापस पहुँच चुके हैं ग्लासगो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा सफ़र रहा। आई होप कि आप लोगों ने भी इन्जॉय किया ये ट्रिप हमारे साथ। और हमें आते ही यहाँ पे एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है, वो ये है कि डॉक्टरों ने कहा कि आज नानी जान का आखिरी दिन होगा हॉस्पिटल में। वो कल सुबह सुबह इंशाल्लाह उनको वापस भेज देंगे घर। सो ऑफकोर्स इसका मतलब ये है कि नानी जान की तबीयत बेहतर हो रही है। और कल सुबह उठते ही जो लोग पूछ रहे थे मुझसे अपडेट्स उनके बारे में, कल सुबह उठते ही इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगा, और उनसे हालचाल भी पूछेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली नानी जान पहुंच गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा सारे मनु, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे बच्चे, सारे बहुत बहुत सलाम बेटा। सारे पूछते थे कि नानी जान किस तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने इन्हां नूं तंदुरुस्ती देवे, सेहत देवे, कामयाबी देवे। मैं इन्हां दी बहुत दुआ मंगनी है। बीमार बैठी भी दुआ करा, कवां मेरे रहम दे जेड़े सारे जानन वाले, मिलन वाले, मेरू प्यार करन वाले, इन्होंने ने भी बहुत दुआ कीती। दुआ कीती कीती कीती, सारे परेशान। दुआवां नाल ही अल्लाह ने सोहना करता, बहुत सोहना अल्लाह ने करता। शुक्र अल्लाह दा, लख लख अल्लाह दा शुक्र अल्लाह। ते हुण तुहाडी तबीयत किस तरह? हुण माशाल्लाह ठीक है बेटा, बाग दा ठीक हो गई है, पर हाले ना चलन फिरन नूं ना थोड़ा जिहा हुंदा, थोड़ा टाइम लगदा। डॉक्टर कहिंदे 2-3 महीने लगणे आ, तुसीं फिर बिलकुल सही हो जाएंगे। जो 2-3 महीने तो बाद ना तुसीं ऐन सही हो जाना है। दवाई जेड़ी उन दिन पता 4-5 दफा खानी पेंदी है। दवाइयां बहुत दित्तियां, कोई नहीं, दवाइयां तो मैं यूज तू खा लेनी, अगे भी शुगर दी भी खानी है। माशाल्लाह बहुत खुशी है बेटा थोड़े वास्ते। मैं दुआवां वास्ते करे जिंदा हो गई मुड़ के, फिर अल्लाह ने मैनू तंदुरुस्ती देती है। मैनू सच्ची मैनू इन्ना प्यार आउंदा ना तेरे जिहड़े, तेरे वास्ते मैं बहुत कहनी हाँ या अल्लाह। मेरे बच्चे वास्ते इन्ना करते, मेरे बच्चे का प्यार करते हैं, और मैं उन्होंने जान दिनी हाँ सच्ची गल। मैं हर एक वास्ते कोई भी भवन रहम हो, कोई गरीब तो गरीब, कोई मैं कहनी असाई या लोग अंग्रेज बच्चे, उन्होंने मैं इन्ना प्यार करती हाँ। मेरे को जो कुछ है मैं कहने इन्हें दे दवा, मैं दुआ करती उन्होंने वास्ते। अज टीवी देखती हाँ यतीम बच्चे, नवीने बच्चे, सच्ची मैं रो पैनी हाँ, कहनी या अल्लाह, अल्लाह पा के इन्हों दुनिया तो की इन्हों की जिंदगी है, है उन्होंने दुआ करूँगी। ये तो मेरे बच्चे है, सारे मेरे भाई आ, जेड़े मेरी उम्र के मेरे भाई आ, जेड़े तेरे वर्गे मेरे दोते दोतियाँ, मेरे बच्चिया बच्चे सारे, मेरी तो जान आ, मैनू सच्ची बहुत प्यारे आस। तो की हुण की कहिंदे डॉक्टर, की कहिंदे? डॉक्टर कहिंदे बेटा हुण दवाई तुसीं खांदे रहो। उन्होंने एक बार फिर मेरा करना जेड़ा वो की कहिंदे एक्सरे नहीं हो जेड़ा मशीन दे विच जांदे। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। वो उन्होंने दोबारा करना 3 महीने बाद, तो इंशाल्लाह कहिंदे तुहाडी बाग जेड़ी हुण फर्क पऊगा तुहानू। फर्क तो हैगा पर हाले हैगा थोड़ा, इंशाल्लाह दर्द नहीं हुंदी, दर्द नहीं मेरे को बर्दाश्त हुंदी सी, तकलीफ बहुत सी, हुण तकलीफ हट गई है।
ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਸ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਅੰਮੀ ਸੀਗੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਸ਼ਪਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਾਰਪੇਟ ਚੇਂਜ ਬੈਡਰੂਮ ਚੇਂਜ ਨਵੀਂ ਕਾਰਪੇਟ ਪਵਾਤਾ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਪਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਤਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਫਰੈਸ਼ 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 ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਰੂਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੂੰਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਪਰ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਬੇਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਠੋ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਰਾਣੀ ਮੁਕਰ ਗਈ ਰਾਣੀ ਮੁਕਰ ਗਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰੂਫ ਲੱਗਦਾ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਫ ਹੀ ਆ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰੂਫ ਆ ਹਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਲਾਲ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦੇ ਆ ਗੁੰਡੇ ਗੁੰਡੇ ਬਣਦੇ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੁੱਟਣ ਡਏ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਰਾਇਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਰਾਇਨਾ ਆਹੋ ਆਹੋ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਤਰੀਨਾ ਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਹੋ ਕਤਰੀਨਾ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕਤਰੀਨਾ ਨੇ ਵਾਕੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੋਟਾ 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 ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੇ ਨਾ ਵਰਜਿਸ਼ ਆ ਜੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ